प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मामला अमरकंटक के राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड का है, जहां पुलिस की गिरफ्त से दो मुजरिम हथकड़ी सहित फरार हो गए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरकंटक थाना की पुलिस दो आरोपियों को राजेंद्र ग्राम न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आई थी, जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था, जिस दौरान राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड से दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। आपको बता दूं कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 223, 337, 506 और 34 के तहत न्यायालय में पेश किया गया था। वहीं जानकारी मुताबिक दोनों आरोपी रिश्ते में भाई हैं, जो काफी दिनों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे और गिरफ्तारी वारंट में उन्हें थाने लाकर पुलिस द्वारा अमरकंटक राजेंद्र ग्राम न्यायालय में पेश किया गया था, जहां दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए गए थे। मौके पर दोनों आरोपियों के साथ पुलिस मौजूद थी और उनके द्वारा राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में बस का इंतजार किया जा रहा था, तभी मौका देखकर दोनों आरोपी फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं मामले पर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल का कहना है कि दोनों ही फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अनूपपुर से अजय मिश्रा की रिपोर्ट।